Hello everyone, assalamu alaikum. In this video we talk about Pakistan current affairs January 2021, all in all jobs preparation mein welcome aapka. The Khyber Pakhtunkhwa government for the first time appointed a female police officer as district police officer DPO December 31, 2020. Sonia Shamroz inka naam hai. Pakistan and China on December 31, 2020 signed a loan agreement worth पाकिस्तान और चाइना ने 31 दिसंबर 2020 में एक लोन पर दस्तखत किए हैं और इस लोन की जो अमाउंट है वो है $100 मिलियन और इसका मकसद है नेशनल हाईवे N5 प्रोजेक्ट के लिए ये इस्तेमाल होगी. न्यू कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर CCPO DIG गुलाम महमूद डोगर साहब और इनसे पहले उमर शेख थे जिनका तबादला पंजाब कॉन्स्टेबली फरुखाबाद में हुआ है. कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टेस्ट टीम इन न्यूजीलैंड मोहम्मद रजवान. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ऑन January 1, 2021 अनाउंस द अवार्ड फॉर द ईयर 2020 बाबर आजम. एज मैनी एज 2 लाख कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स फ्रॉडेंटली ऑब्टेन बाई हैव बीन कैंसल्ड. अखबार नेशन के 2 लाख जो कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड थे उन्हें कैंसिल कर दिया गया है 2 जनवरी 2021 में. पंजाब एंड्स फ्री वाईफाई फैसिलिटी फॉर पब्लिक बिकॉज ऑफ हैवी सब्सिडी. इन दिसंबर 2016 में पंजाब नूलेग हुकूमत ने फ्री इंटरनेट की सहूलत पंजाब में दी थी जिसे अब इस हुकूमत ने ख़त्म कर दिया है. द एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब हैज़ अरेस्टेड अ गैंग 4 पर्सन इन्वॉल्वड इन PP पेपर लीकेज एंड सेलिंग इन PPS. चार आदमियों को पकड़ लिया गया है जिनके नाम वकार अकरम, गजनफर गोहर अली और मज़र इकबाल हैं. द डिपार्टमेंट अंडर अ न्यूली क्रिएटेड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड डाटा शेयरिंग सिस्टम DIG ऑपरेशन है सुहेल अख्तर सुहेरा नए अपॉइंटेड हुए हैं. एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू री ओपन 18 जनवरी 2021. डॉक्टर मोहम्मद साकब अजीज हैज़ बीन अपॉइंटेड पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के ये CEO अपॉइंट हुए हैं. द खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू स्टार्ट गिविंग मंथली ऑनरिज्म टू ईच प्रेयर लीडर इन द प्रोविंस फ्रॉम January 1. ये बड़ी एजाज़ की बात है कि खैबर KPK हुकूमत ने ऐलान किया है कि हम जो नमाज मस्जिदों में जो इमाम है उन्हें 10,000 रुपये मंथली देंगे. नुसरत शहीन जो हैं ये इलेक्ट हुई हैं सेनेटर, ये बलूचिस्तान से हुई हैं 5 जनवरी 2021 में और इनका तल्लक बलूचिस्तान अवामी पार्टी से था. इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इस्लामाबाद के IGP जो हैं 7 जनवरी 2021 में नए आए हैं काजी जमीरुर रहमान, इनसे पहले थे अमर जुल्फकार अली खान. पाकिस्तान साउथ कोरिया होल्ड 3rd round ऑफ ऑनलाइन सेक्शन ऑफ GTC. ये तजारत के मुतल्लिका कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं पाकिस्तान और साउथ कोरिया की. ये 7 जनवरी से 2021 तक हुई हैं और ये 3rd कॉन्फ्रेंस थी. GTC का मतलब है जॉइंट ट्रेड कमेटी. पाकिस्तान टेस्ट मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम ऑन विच डेट 7 जनवरी 2021 में इसको लॉन्च किया गया है मल्टी लॉन्चर को और इसका नाम है Fateh 1 और इसकी जो रेंज है 140 किलोमीटर है. द गवर्नमेंट कन्फर्म्ड ऑन January 7, 2021 दैट पावर सेक्टर सर्कुलर डेट वंट पास्ट. हमारे जो सर्कुलर डेट्स हैं वो 2.304 ट्रिलियन तक पहुंच गए हैं. स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन पावर इन्होंने रिजाइन दिया. इनका नाम है ताबश गौर, इनसे पहले शहजाद कमर थे उन्होंने भी रिजाइन दे दिया था 1st week of November में. ये हमारे लिए ये बड़ी एजाज की बात क्या कि द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल जवेद कमर बाजवा वाज ऑनर्ड विद द बहरेन ऑर्डर फर्स्ट क्लास अवार्ड बाई क्राउन प्रिंसेस. इन जिन्होंने अवार्ड दिया है इनका नाम है प्रिंस सलमान बिन हमाद बिन ईसा अल खलीफा. द ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान हैज़ अनाउंस द विनर ऑफ द 1st IA रहमान रिसर्च ग्रांट.
ये फरीहा अजीज़ है, इन्होंने जीता है इस वक्त इस साल का। ये भी एक इंतहाई अहम चीज़ फैसला किया है पीएम इमरान खान ने, जनवरी 8, 2021 में अप्रूव्ड टू रिकॉर्ड एंड मॉनिटर प्राइसेस ऑफ असिशनल कमोडिटीज इन 17 मेजर सिटी, 17 जो बड़े हमारे शहर हैं उसमें जो है प्राइसेस जो कीमतें हैं उनको रिकॉर्ड और मेंटेन करने के लिए डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फॉर इन्फ्लेशन जो है इसे मुतारफ़ करवाया है। और जो सबसे क्रिकेट के शौकीन जो हैं उनके लिए ये बड़ी मज़े की न्यूज़ है कि द पीसीबी ऑन जनवरी 8, 2021 अनाउंस द शेड्यूल ऑफ द पीसीएल लैंग्वेज स्टार्टिंग ऑन पीसीएल लीग स्टार्टिंग ऑन फरवरी 20, 2021। फरवरी की 20 तारीख को पीसीएल की जो लीग रह गई थी उसे फिर से रीशेड्यूल कर दिया है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, ये बिल्कुल मुख्तसर इसमें जो फर्स्ट वीक के करंट अफेयर है बिल्कुल मुख्तसर वीडियो बनाएंगे ताकि आप वीडियो का मुकम्मल देखें। ओके, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है कि एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाज़िर हूँ।